गेट गार्ड पोस्ट, जिसे कोरियाई में जगडे कहा जाता है, एक उभरी हुई संरचना है। किले के द्वार के दोनों ओर बनाया गया गेट की निगरानी करने और दुश्मन की पहुंच को रोकने के लिए। महल के मध्य में लगभग 82 मीटर के अंतराल पर महल से थोड़ा ऊंचा एक मंच तैयार किया गया था। आग्नेय अस्त्र, धनुष, तीर आदि उपलब्ध कराए गए और दुश्मन सैनिकों की आवाजाही और दृष्टिकोण पर नजर रखी गई। जबकि किले और महल की दीवारें पूरी तरह से दीवारों से बाहर निकली हुई हैं। महल का आधा हिस्सा महल के बाहर और आधा महल के अंदर फैला हुआ है। हवासुंग किला पहला किला था कोरिया में जो सन राजवंश के दौरान ऐसी रक्षात्मक संरचना के साथ। हवासुंग में मूल रूप से चार गेट गार्ड पोस्ट थे, जंग एन मून और पलडाल मून गेट्स पर दो दो, लेकिन जंग में केवल वे ही चंद्रमा बचे हैं। उत्तर पूर्वी गेट गार्ड पोस्ट, जिसे कोरियाई में बुकडोंग जगडे कहा जाता है, एक रक्षा सुविधा है जो दुश्मनों पर नजर रखती है और उन पर हमला करती है। जंग के पूर्व से एक चंद्रमा द्वार की ओर आ रहा है। सूमे हवासुंग किला जीता। जगडे को जंग एन मून और पाल दाल मून के बाएं और दाएं स्थापित किया गया था, लेकिन यह वर्तमान में केवल जंग में ही एक चंद्रमा बना हुआ है। अंदर सैनिकों द्वारा पहरा दिया जाता है जो महल की दीवार के समान ऊंचाई पर एक मंच बनाते हैं। बाहर की ओर एक लंबी ऊर्ध्वाधर नाली होती है जिसे ह्यूनेन कहा जाता है। ह्यूनेन एक ऐसी सुविधा है जो दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकती है। महल की दीवारों के पास पहुंचें और एक ही समय में उन पर हमला करें। बुकडोंग जुगडे कोरिया के उन कुछ किलों में से एक है जहां एक जुगडे महल है। चूंकि उत्तर पूर्वी गेट गार्ड पोस्ट की दीवार तेजी से अंदर की ओर झुकी हुई है, इस गेट गार्ड पोस्ट के ठीक पूर्व में एक अतिरिक्त गढ़ स्थापित किया गया था रक्षा में सहायता करने के लिए। पोस्ट के मध्य में तीन ऊर्ध्वाधर स्लिप दीवार के पास आने की कोशिश कर रहे दुश्मनों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था।